सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 27 पेयजल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा बजट पेश किया। विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपम्प, 10 ट्यूबवेल भी दिए हैं, काफ़ी सराहनीय हैं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर की बात करूंगा। डूंगरपुर नगर परिषद में घाटी मोहल्ला, पातेला, लालपुरा, शास्त्री कॉलोनी, राजपुर, यहाँ पर समय पे पानी नहीं मिल पाता है। महीने भर पहले कि जो नल लाइन है, उस नल लाइन में मरा हुआ चूहा निकला, जो मिस्त्री ने बाहर से प्राइवेट बुला के, तो ऐसा सड़ा हुआ चूहा कहाँ से आया? ये पेयजल के अधिकारियों की लापरवाही है। मरा हुआ कहीं सांप आ जाता है, कहीं चूहा आ जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ऐसा गंदा पानी जो लोगों ने जो पिया, ये सर आपसे निवेदन है कि पेयजल के जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी गर्मी का समय आ रहा है, पानी की बहुत किल्लत है। टीएसपी क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे गांवों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, देवलखास, बिच्छीवाड़ा, छापी, चुंडावाड़ा, ऐसे जो बड़े बड़े कस्बे हैं, वहाँ भी पानी की अब दिक्कत आएगी। कई बार टैंकरों से सप्लाई हो करनी पड़ती है, लेकिन टैंकर भी समय पर पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए मेरे सभापति महोदय जी निवेदन है कि इसके लिए कोई योजना बनाई जावे और सही समय पर लोगों को पानी मिले। इसमें पुरानी बावड़ियां भी बनी हुई है, पुरानी बावड़ियों को गहरी की जाए, उनकी मरम्मत की जाए। गांवों में पुरानी बावड़ियां बनी हुई है तो उसको गहरा कराई जाए और उनकी मरम्मत कराई जाए। वो टंकी घाटी मोहल्ले में एक बड़ी टंकी की आवश्यकता है, तो डूंगरपुर में आसपास सभी मोहल्लों में पानी व्यवस्थित मिल जाए। और वहाँ पास में ही हमारे राजा डूंगर बरंडा की छतरी बनी हुई है पहाड़ी पर। पहले भी मैंने मांग उठाई थी, पर्यटन की दृष्टि से हमारे आदिवासी लोग वहाँ पर जाते हैं, पूजते हैं, लेकिन पानी पीने का वहाँ पहाड़ी पर नहीं है, तो कोई बर्तन में पानी सिर पे पकड़कर चढ़कर जाते हैं, वो भी 500 मीटर जाना पड़ता है और पहाड़ी पे पगडंडी रास्ता है, वहाँ पर रोड भी नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ भी पानी की सुविधा कराई जाए, नल लाइन बिछाई जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी एरिया होने के नाते, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते, जो 40 हैंडपम्प घोषणा किए सीएम साहब ने, मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 200 हैंडपम्प आप खुदवाएं तो ठीक रहेगा, कि हमारे पानी भी वहाँ, पानी का स्तर, जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, 80 या 120 फीट पर हमारा पानी आ जाता है। माननीय सभापति महोदय जी, हैंडपम्प मिस्त्री की काफ़ी समस्या है। एक एक हैंडपम्प मिस्त्री के पास 6-6 पंचायतें हैं, और इस पंचायत के लोग पूछते हैं मिस्त्री साहब कहाँ हो, वो बताता है मैं इस पंचायत में हूँ, उस पंचायत वाले पूछते कहता है कि मैं इस पंचायत में हूँ। तो अभी गर्मी का समय आने वाला है, हर गाँव में स्थिति खराब है, हैंडपम्प खराब है, तो हर पंचायत में 100-100 पाइप एक्स्ट्रा पंचायत में पहुँचाई जाए और हैंडपम्प मिस्त्री की नई भर्ती कराई जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ये मेरी सभापति महोदय आपसे ये मांग करता हूं। इसी के साथ ही मेवाड़ा बांध हमारा बना हुआ है बिच्छीवाड़ा पंचायत समिति में, सिंचाई के लिए वो एक ही बांध है, बारिश का पानी आता है और बारिश का पानी पूरा चला जाता है गुजरात। उस एक बांध की वजह से कुछ लोगों को पानी पीने की, सिंचाई की व्यवस्था होती है, लेकिन नहर बिल्कुल सिपेज हो चुकी है। नहर में पानी निकलने से आगे पानी पहुंच नहीं पाता है, और कुछ नहर दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, दोनों अधूरी हैं,
तो कुछ गांवों को वो सिंचाई का फायदा नहीं ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन है कि उस मेवाड़ा बांध कोडियागोंड की नहर की मरम्मत कराई जावे, वो जो अधूरी नहरें हैं उसको पक्की कराए, आगे लोगों को पानी मिल सके, उनको सिंचाई की सुविधा मिल सके। इसी के साथ ही माननीय सभापति महोदय जी, मीरा डूंगरी में भी यही हालत है डूंगरपुर में, कि वहाँ पर आज तक लोग वहाँ मीरा डूंगरी पे बसे हुए हैं, लेकिन नल लाइन की व्यवस्था नहीं हुई है, बिल्कुल सिटी के अंदर है, फिर भी उनको नल का पानी नहीं मिल रहा है। तो सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन है कि पानी जल ही जीवन है, हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता है। तो आपसे निवेदन है कि डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस जिस पंचायत में, जिस जिस ढाणी में, वो नगर परिषद नगर पालिका में जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पर पानी समय पर मिले, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री पूरा राम।